पिछले छः सात महीने से स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है और बिल्कुल स्टोरी को चेंज करके आपको दिखाना चाहता है तो आप बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इफ़ सलमान भाई डज इट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि बहुत ही बड़ी बजट की फिल्म हो सकती है ये अब स्टिल अगर आप खुद से अपने आप से पूछो भाई राजकुमार गुप्ता इज अ वेरी जीनियस डायरेक्टर मैं कहूंगा क्योंकि उनकी फिल्में मैंने देखी और मुझे काफी पसंद आई है जिस तरीके की लेयरिंग होती है ना उनके सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ भर के और वो अगर सलमान खान को प्रेजेंट करेगा ना मासी फिल्म बना देगा और क्लास मास दोनों को टच कर जाएगी फिल्म अब आप जेनुअनली मैं ये क्वेश्चन करता हूँ आपसे आप ऑनेस्टली अपने आप से ही पूछो इस चीज को कि आपको राजकुमार गुप्ता नहीं चाहिए क्या चलो सो so, कल अपना दिन था भाई कल हमने पूरा इंजॉय किया है थ्रू आउट द डे रात तक भी पांच वीडियोस बनाए मैंने और एक के बाद एक कुछ ना कुछ सरप्राइज आते जा रहा था गॉडफादर रिलीज हुई सलमान भाई का सेकंड लुक आया किसी का भाई किसी की जान से फिर सलमान भाई ने एक स्पेशल मैसेज दिया थिएटर रिएक्शन बहुत कुछ हुआ कल तो आ, देखो आज कुछ वैसी कोई चीज़ नहीं आई है बट एक चीज पे एक हद तक क्लैरिफिकेशन आ गई है कंफ्यूजन जो थे दिमाग में वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए हैं एक फिल्म रिलीज होने वाली है गुड बाय रश्मिका और अमिताभ बच्चन जी की कल रिलीज होने वाली तो उसका प्रीमियर था और वहां पर अनिश बास पॉइंट बात करेंगे इसमें कि हुआ क्या नो no एंट्री के बारे में हम सबको पता है कि अनिश बाजमी ने बाजमी ने एक नया नया प्रोजेक्ट जब से किया है अनाउंस की वो ट्वेंटी में रिलीज करेंगे सबका दिमाग खराब हो गया कि ये कैसी चीज ये कैसे हो गई कैसे अनिश बाजमी ने कर दिया अनाउंस नया प्रोजेक्ट नो एंट्री का क्या हुआ नो एंट्री शेल्व तो नहीं हो गई बहुत सारे रिपोर्ट्स आए डाइसी सिचुएशन हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जनवरी से कौन सी फिल्म शुरू करेंगे सलमान भाई किसी का भाई किसी की जान खत्म करने के बाद यानी कि टाइगर थ्री के बाद कौन सी फिल्म रिलीज होगी देखो क्लियर सी चीज़ है अनिश बाजमी से प्रीमियर पे अमर उजाला ने पूछा मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ Uh, आप देख सकते हो पढ़ सकते हो बट फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान तो दे गेट इट सो उनको हिंदी में लिखा हुआ समझेगा नहीं तो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है uh, इस पे लिखा है कि फिल्म गुड बाय के प्रीमियर पे जब अमर उजाला ने अनीश बाजमी से नो एंट्री में एंट्री की ताज़ा अपडेट के बारे में जानने की कोशिश की तो अनिश बाजमी ने कहा हमें भाई यानी कि सलमान खान की डेट का इंतजार है जैसे ही वह डेट देंगे उसी हिसाब से फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी हमारी इस बारे में भाई से कई बार बात हुई है लेकिन अभी डेट को लेकर कोई बात नहीं फाइनल हुई है अगर किसी कारणवश देरी होती है तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट पर काम करना दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूंगा तो भाई क्लियर सी चीज हमें पता चल गई है कि जो इशू था जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे कि यार आखिरकार ऐसा हुआ क्या अंदर ही अंदर कि अचानक से जनवरी से फिल्म स्टार्ट होने वाली थी सलमान भाई ने इतनी बार बात किया था इसके बारे में अनिश बाजमी ने इतनी बार बात किया था अचानक से अंदर ही अंदर क्या हो गया जो ये फिल्म जो है अब इस इसपे थोड़े से काले बादल मंडराने लगे कि पता नहीं क्या बनेगी नहीं बनेगी ऐसे बहुत सारे अंदर से न्यूज आ रही है सलमान भाई शॉर्ट नहीं है या फिर क्या सी क्या चीज़ हो गई देखो यहां पे क्लियरली हमें समझ में आ गया है अनिश बाजमी तो तैयार है भाई फिल्म बनाने के लिए सलमान भाई के डेट्स नहीं मिल रहे हैं यानी कि इसका मतलब क्लियर यही है कि सलमान भाई स्टिल कन्फ्यूज ही इज येट टू टेक अ डिसीजन कि वो कौन सी फिल्म स्टार्ट करेंगे देखो आ, या तो एक चीज हो सकती है कि उनके पास कोई और एक दो अच्छे स्क्रिप्ट होंगे जिसको लेकर वो थोड़ा सा ऐसे डाउट में होंगे कि नो एंट्री में क्योंकि वो फिल्म जो है वो किसी भी समय शुरू हो जाएगी जब सलमान भाई बोलेंगे Uh, तब से शुरू हो जाएगी वो फिल्म अनीस बाजवी ने भी डायरेक्ट बोल दिया देखो दर इज अ वन फिल्म विद राजकुमार गुप्ता ऑल्सो uh, जो कि वेटरन होने वाली है हम सबको पता है देखो फॉर मी Uh, अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हूं अगर सलमान भाई वेटरन करते हैं एक तो पहली चीज देखो आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो जाओगे कि क्या बोल रहे हो आर्यन भाई यार रीमेक कौन देखना चाहता है अभी के टाइम पे देखो रीमेक वो रीमेक्स नहीं चलती है जिसको ऑलरेडी जनता देख चुकी है काफी बार जैसे अभी विक्रम वेदा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उससे पहले लाल सिंह चड्डा भी एक एग्जाम्पल है उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है वेटरन को मुझे लगता है कि दस लोगों में से दो लोगों ने देखा होगा एंड इज अ प्रॉपर मास मसाला एंटरटेनर फिल्म और अगर उस फिल्म को राजकुमार गुप्ता लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट करेंगे और मुझे अतुल अग्निहोत्री पे कोई ये डाउट नहीं है कुछ भी नहीं है भाई वो बंदा जिस तरीके से प्रोडक्शन वैल्यू उसकी जो होती है फिल्म की अब भारत देखो बॉडी देखो जितनी भी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है वो बंदा हंड्रेड परसेंट देता है भाई प्रोडक्शन वैल्यू की जहाँ तक बात आती है और ये फिल्म एक प्रॉपर सलमान भाई के वो जो लीग है ना उसमें है और वो फिल्म बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि टू हीरो फिल्म है और बड़े बड़े एक्टर्स के नाम आ रहे हैं उसमें काम करने के लिए विलन का बहुत सॉलिड रोल है और राजकुमार गुप्ता जाने जाते हैं एक बढ़िया स्क्रीन uh, प्ले लिखने के लिए बढ़िया डायरेक्शन के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वेटरन होती भी है क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं है ठीक है अडेप्टेशन होगी बढ़िया फिल्म बनाएगा राजकुमार गुप्ता किसी को कोई दिक्कत नहीं है राधे भी बढ़िया बनती है अगर कोई और अच्छा डायरेक्टर बनाता उसको uh, प्रभु देवा ने बनाया प्रभु देवा का ये काम नहीं है डायरेक्शन वो भाई इज अ डांसर ओनली भाई वो कोरियोग्राफर है वो कैसे फिल्म बनाएगा जाहिर सी बात है रेमो डिसूजा के साथ भी वही सीन था या फिर हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट हो सलमान भाई के पास अब मैं एक सवाल आपसे पूछता होगा इसकी आप मुझे इस चीज के बारे में ऑनेस्टली बताओ ठीक है एकदम ऑनेस्टली इस चीज के बारे में बताना कि आपको अगर दो फिल्मों में से चूज करने को मिलता है एक तरफ एक एक्शन मास मसाला एंटरटेनर थोड़ी देर के लिए दिमाग से रीमेक और अडेप्टेशन को साइड कर दो क्योंकि वहां पे जो है ना राजकुमार गुप्ता उस पर काम कर रहे हैं और एक दो महीने से नहीं पिछले छः सात महीनों से उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और दूसरी तरफ एक प्रॉपर कॉमेडी ब्लॉक फिल्म नो एंट्री का सीक्वल है आ, मेरे हिसाब से वो फिल्म भी बननी चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया सलमान भाई को वैसे अवतार में देखे हुए वो प्रेम वाला वो वो वाला प्रेम है भाई ये वाला सूरज बजाते वाला प्रेम नहीं है वो पार्टनर वाला प्रेम है वो नो एंट्री वाला प्रेम है वो बहुत हरामी प्रेम है भाई तो ये चीज को दिमाग में रखो तो देखो दोनों फिल्में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और दोनों के लिए एक्साइटेड हूं कि दोनों बने बट आपसे मैं मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि आप या तो एक कॉमेडी फिल्म चूज करोगे फैमिली कॉमेडी फैमिली पता नहीं बनेगी कि नहीं भाई नो एंट्री टू तो बी वेरी ऑनेस्ट फैमिली फिल्म तो नहीं थी भाई अभी देखने को मिल जाता है ना कभी फैमिली के साथ तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स उसमें ऐसे डबल मीनिंग वाले हैं अनश बाजमी करते हैं यार रेडी में भी थी कुछ कुछ वो वाला था ना रात में बहुत सारी चीजें निकल जाती है अब मेरा मतलब छींक ऐसे आपको याद होगा रेडी में भी यार तो ऐसी चीजें अनीज बाजमी करते हैं और सलमान भाई भी आराम से करते हैं उनकी फिल्मों में तो खैर एक तरफ वो है कॉमेडी फिल्म एक तरफ मास एक्शन एंटरटेनर है आप कौन सी फिल्म को चूज करोगे देखो एक तरफ आपको टू हीरो फिल्म मिल रही है प्रॉपर वो एक अलग जॉनर की फिल्म होगी एकदम सस्पेंस है थ्रिलर है एक्शन है सब कुछ मिलने वाला है और एक बड़ा एक्टर होगा उसमें ये मत सोचना कि भाई आयुष शर्मा आ जाएंगे या फिर कुछ उसमें रणवीर सिंह वरुण धवन ऐसे एक्टर्स भी हो सकते हैं इतने बड़े लेवल की कास्ट है मे भी कोई साउथ से ले लेंगे वो फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है डायरेक्टर बहुत अच्छा है उस फिल्म का दूसरी तरफ कॉमेडी आप ये चीज कॉमेंट करके बताओ आज ये चीज फाइनल हो ही जाएगी कि कौन सी फिल्म की ज्यादा कौन सी फिल्म को लेकर जनता ज़्यादा एक्साइटेड है जनता जनता ज़्यादा इंटरेस्ट किस फिल्म में दिखाती है तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी या फिर कोई तीसरी फिल्म आ जाए तो लेट्स सी क्या होता है नवंबर फर्स्ट वीक का बस इंतज़ार है इस चीज़ के ऊपर बात करना मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लोगों के अंदर नो एंट्री को लेकर बहुत कंफ्यूजन है आज कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि सलमान भाई के डेट्स की इशूज़ है यानी कि वो खुद ही अपने कहीं ना कहीं दिमाग में इस चीज़ को लेकर भी फैसला नहीं ले पाए हैं कि कौन सी फिल्म करनी है तो आप बताओ कि आपको कौन सी वाली चाहिए कॉमेडी या एक्शन कॉमेंट करके बताओ तो अभी तक के लिए बस इतना ही है मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद